दोस्तों ये वीडियो सिर्फ आपको जागरूक करने के लिए बनाए जाते हैं। ऐसे कोई भी वीडियोस देख के आप खुद के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको इस तरीके का या किसी भी तरीके का कोई बीमारी होता है तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं और उनके प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन को ऑलवेज अवॉइड करें। नमस्ते दोस्तों, मेरे जो व्यूअर्स है वो बहुत दिनों से मुझे एक बीमारी के बारे में डिस्कस करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आज मैं उसी बीमारी के बारे में बात करूंगा और वो है लाइकेन नीडिडस। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होता है ये तो पता नहीं है, लेकिन ये लाइकेन टेनस बोल के एक बहुत ही कॉमन स्किन का डिजीज है, उसका एक वेरिएंट हो सकता है ऐसा सोचा जाता है। इस बीमारी में एक्चुअली क्या होता है, हमारे स्किन के ऊपर कुछ एरियाज में छोटे छोटे पिन हेड या पिन पॉइंट साइज के पैप्यूल्स दिखते हैं जो कि फ्लैट होते हैं, जो स्किन कलर के हो सकते हैं या सराउंडिंग स्किन से थोड़ा सा हल्के रंग के हो सकते हैं, और इनका जो सर्फेस होता है वो थोड़ा सा शाइनी रहता है। ये मोस्ट कॉमनली बच्चों में और यंग एडल्ट में देखे जाते हैं। ये हमारे शरीर के कुछ पर्टिकुलर एरिया जैसे हमारे हाथों के ऊपर, हमारे पेनिस के चमड़े के ऊपर, हमारे छाती में, हमारे पेट में या हमारे बटक्स में मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं, लेकिन ये हमारे स्किन के जो दूसरे एरियाज है वहां पे भी हो सकते हैं। ये जो छोटे छोटे दाने या पैप्यूल्स रहते हैं ये ग्रुप में रह सकते हैं, लेकिन हर एक दाना अलग अलग रहता है। इस बीमारी का एक बहुत ही पर्टिकुलर फीचर है, वो ये है कि जहां पे ये बीमारी होता है वहां अगर हम लोग स्क्रैच करते हैं तो उस स्क्रैच लाइन के बराबर नए नए दाने या पैप्यूल्स निकलते हैं, जिसको आइसोमॉर्फिक फेनोमेनन या क्वेबनर फेनोमेनन कहा जाता है। इस क्वेबनर फेनोमेनन को देख के इस बीमारी को हम दूसरे सिमिलर दिखने वाले बीमारियों से अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि लाइकेन नीडिडस का ही एक वेरिएंट होता है जिसे एक्टिनिक लाइकेन नीडिडस कहा जाता है, जो कि हमारे सन एक्सपोज्ड एरियाज में होते हैं। और सन एक्सपोज्ड एरियाज में और एक बहुत कॉमन बीमारी होता है जिसको पीएमएलई या पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन कहा जाता है। उसका एक वेरिएंट है जिसका नाम है लाइकेनोइड पीएमएलई यानी लाइकेनोइड पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन। तो लाइकेनोइड पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन और एक्टिनिक लाइकेन नीडिडस देखने में काफी सिमिलर होते हैं और इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन दो चीजों को देख के हम इन दोनों बीमारियों को अलग कर सकते हैं। सबसे पहला है जो लाइकेन नीडिडस होता है वो ग्रुप में रहता है लेकिन हर एक दाना अलग अलग रहता है, और जो पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन होता है उनमें जो दाने होते हैं वो एक साथ क्वालिस करके एक पक की तरह भी बन सकता है। और दूसरा चीज है क्वेबनर्स फेनोमेनन, जो कि पॉलीमॉर्फस लाइट इरप्शन में नहीं रहता है लेकिन लाइकेन नीडिडस में हमें मिल सकता है। यूजुअली ये जो बीमारी होता है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, मोस्टली पेशेंट कॉस्मेटिक रीजन के लिए या क्या दाना दाना हुआ है उससे थोड़ा सा डर के हमारे पास आते हैं, पर कुछ पेशेंट्स में इस बीमारी में थोड़ा बहुत खुजली हो सकता है। नॉर्मली तो इस बीमारी को हम क्लिनिकली देख के ही डायग्नोसिस करते हैं, इसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन रेयर ऑकेशंस में कुछ सिमिलर देखने वाले बीमारियों से इसको अलग करने के लिए या डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबसे पहले तो पेशेंट को इस बीमारी के बारे में अच्छी तरीके से काउंसलिंग करना पड़ेगा, इस बीमारी के बिनाइन नेचर के बारे में पेशेंट्स को समझाना पड़ेगा। और देखिए, बहुत बार क्या होता है, ये बीमारी एकदम ही एसिम्प्टोमेटिक होता है, बाहर उतना ज्यादा नहीं रहता है, जो कॉस्मेटिक कोई डिसफिगरमेंट भी नहीं करता है, तो उन केसेस में बहुत ज्यादा एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत पेशेंट्स में क्या होता है ये बीमारी एक छह महीने या एक साल या कुछ साल के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर इस बीमारी में कोई सिम्टम रहता है, जैसे अगर पेशेंट को इस बीमारी में बहुत ज्यादा खुजली होता है, तो खुजली को कम करने के लिए हम लोग एंटीहिस्टामाइन खाने का दवाई देते हैं, और अगर इन दानों को कम करना है तो उसके लिए हम लोग टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जितने पेशेंट्स अभी तक देखे हैं उनमें तो टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम से ही ये बीमारी कुछ ही दिनों के अंदर या कुछ ही हफ्तों के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जैसे इस पेशेंट में आप लोग देख सकते हैं, ये एक छोटा सा बच्चा था 8 साल का, जिसको मैंने टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड 2 हफ्ते के लिए दिया था, और 2 हफ्ते के बाद ही इसका जो स्किन लेशंस था वो लगभग पूरी तरीके से ठीक हो गया था। लेकिन कुछ सीवियर केसेस में या कुछ रेजिस्टेंट केसेस में हमें खाने का जो स्टेरॉइड दवाई होता है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। नमस्ते।